अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था, आज हुआ है। हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है, बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है, ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दो, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया, परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी उसमें बियरिंग का पहिया है। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई, पहले बैल 1 टन अनाज लेके जाता था, अब बियरिंग लगी हुई बैलगाड़ी में वही बैल 3 टन लेके जाता है और बिना थके हुए। देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल हैं और प्रतिकूल हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर।